मैं कहती हूँ कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो ग्रेट है, और मोदी जी ही है, उनकी टक्कर का कोई नहीं है। आज वो खाली हिंदुस्तान के नेता नहीं है, मोदी जी हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के नेता है। तो लत लगी है तो नशा भी सरेआम होगा और खून का एक एक कतरा सिर्फ मोदी और योगी के नाम होगा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये वो लंद फंद, उसका ठप्पा लेके आया ना वो भैया, वो ठप्पा लेके आया हुआ है, हम लोग ठप्पा नहीं लगाए हैं। आप जो कर रहे हैं अपने मेहनत से कर रहे हैं ना। मुझे अमेजोन नहीं चाहिए, मुझे फ्लिपकार्ट नहीं चाहिए, अडानी चाहिए, अंबानी चाहिए, क्यों चाहिए? वो मेरे हैं, मेरे राष्ट्र के हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। मोदी जी के मित्र हैं वो, उनका ही भला हो रहा है, जनता का कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। अंबानी अगर जो कोई काम करते हैं, अंबानी को ठेका मिल जाता, मान लीजिए खान का ठेका मिल गया, आपके मेजा मिल गया प्रयागराज के पास, तो वहाँ खनन करने के लिए क्या हम दिल्ली से आएंगे नौकरी करने के लिए? मेजा के आसपास का आदमी लगेगा ना। पर क्या लगता है आपको, जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी हो गई, वो कहते हैं कि जनता परेशान है, मैंने जनता का मन टटोला है, पूरा देश परेशान है भाजपा से। अब देखो 100 लोग 100 बातें तो होंगी, ठीक है, पर मैं कहती हूँ कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो ग्रेट है, और मोदी जी ही है, उनकी टक्कर का कोई नहीं है। मतलब क्यों, कारण क्या है, क्यों मौका देना चाहते हैं? 10 साल देख लो आप बनारस को देख लो, पहले ऐसा था, अभी हम कितने सेफली, कितने अच्छे से घूम रहे हैं यहाँ पे, कितना सब कुछ है इतना, और सच में हमारे साधु योगी जी सब हमारी पूरी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो आपके क्या विचार है, आप साथ में ही हैं? साथ ही, हमारे भी वही विचार है, साथ ही है जी। रोकना चाहूँगा, एक सवाल और है मेरा, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही चाहिए, वो अच्छा काम कर, ये विकल्प नहीं है आपके पास या कोई और रीजन है, या काम के नाम पर वोट देना चाहते हैं आप? काम के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, और जो भी हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था, जो भी बाहर से वो कर रहे हैं हमारी जीडीपी को, जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए इस टाइम पे, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली से आप, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की रेस में है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, देखो रेस तो सबकी होती है, वो भी अच्छा, देखो मैं ऐसे किसी की बुराई नहीं करूंगी कि वो बुरा काम कर रहे हैं, वहाँ भी काम हो ही रहा है, ठीक है, पर मतलब बनारस को देखिए, मतलब बहुत अच्छा लगा हमारी संस्कृति को देख के, तो मैं किसी के पर्सनली जाके नहीं बोलूंगी, हाँ वो तो बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी मैं अच्छा, आम आदमी बोलेगी मैं, ठीक है, भाजपा बोलेगी मैं, तो यहाँ सब में मैं है, जो हमको लेके चलेगा वो जीतेगा, आप चाहे वो जो हो। क्या क्या सुनना, पार्टी कोई भी खराब नहीं होती, पार्टी सभी अच्छी होती है, बस वक्त खराब है। काम कर रहे हैं मोदी जी, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है तीसरी बार फिर आ सकते हैं या फिर? वो जनता के हाथ में है, कांग्रेस का सरकार, अभी टाइम खराब है, अब की बार मोदी सरकार। सबसे ज्यादा अगर बदलाव हुआ ना भैया तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। हाँ खाली बनारस की क्यों बात करते हो बंधु, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व की बात कीजिए ना। आज वो खाली हिंदुस्तान के नेता नहीं है मोदी जी, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के नेता है। और हाँ बिल्कुल, नेता के बारे में आपने क्यों नहीं पूछा? हाँ, आपने क्यों नहीं पूछा? देश के प्रधानमंत्री, नहीं नहीं पहले उनसे और भी तो बने थे प्रधानमंत्री, उनके बारे में क्यों नहीं पूछा आपने? बात नहीं है, बट सबके जहन और दिमाग में मोदी जी ही हैं और मोदी जी ही रहेंगे। और मैं तो दिल से यही इच्छा है कि उनका जब तक सांस चले वही प्रधानमंत्री रहे इस देश का। इसी क्या खूबी है उनके अंदर, देखिए ना बनारस का हाल, देखिए ना बनारस का हाल, देखिए बनारस का हाल छोड़ दिए, आज देश में जो पहले रोड का जो स्थिति था, हाईवे देखा आपने, नेशनल 2 हाईवे जो था, हम लोग घर धनबाद की बात बताते, जब हम लोग धनबाद से पटना के लिए निकलते थे ना, तो शाम को निकलते थे और दूसरे शाम को जाकर के पटना पहुंचते थे। आज निकलते हम लोग 2:30-3 बजे और 7-8 बजे पटना पहुंच जाते हैं। अच्छा राहुल गांधी भी तो हैं प्रधानमंत्री, प्लीज उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी का तो आप हैं, राहुल गांधी का नाम सुनते आप हाथ जोड़ने लगे, इसलिए जोड़ रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है ना बाप के नाम का ठप्पा लेकर के हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये वो लंद फंद, उसका ठप्पा लेके आया ना वो भैया, वो ठप्पा लेके आया हुआ है, हम लोग ठप्पा नहीं लगाए हैं। आप जो कर रहे हैं अपने मेहनत से कर रहे हैं ना, आपके पिताजी का आपका ठप्पा नहीं ना लगा आपके माथे पे? हाँ विरासत में मिला हुआ जो होता है ना, वो आपका कोई कदर नहीं करता। यार क्या है उस कॉमेंट का, उस विषय में कोई कॉमेंट नहीं करना है। चलिए वो ठीक है अपने जगह पर जो भी है उसके लिए कॉमेंट नहीं करना है, बट बोल रहे हैं, बोल नहीं,
विरासत में जो मिला मिलता है ना उसको लोग वैल्यू नहीं देता है, और जो अपने खुद का मेहनत से बनता है ना उसको लोग वैल्यू देते हैं। तो मोदी जी का वही हाल है, वो खुद से बने हैं, उनको बना बनाया जायदाद नहीं मिला था, वो अपने मेहनत से दम पे यहाँ खड़े हुए हैं। तो लत लगी है तो नशा भी सरेआम होगा, और खून का एक एक कतरा सिर्फ मोदी और योगी के नाम होगा। बोलो तो जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। वो सरकार को घेरते नजर आते हैं राहुल गांधी, तो राहुल कितना उनके उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है कि देश बेच दिया, गड्ढे में चला गया, बर्बाद हो गया, कितनी सच्चाई? राहुल गांधी जी नहीं कोई घेरते हैं, राहुल गांधी जी कहीं कोई परेशान नहीं होते हैं, उनको बाहर वाले जो उनके साथी हैं समझाते हैं, और वो बेचारे कुछ बहक के कह जाते हैं, उसके बाद फिर कभी कभार वो सच्चाई कहते हैं जो उनकी आत्मा बोलती है, और उस समय वो यही बोलते हैं कि मोदी बढ़िया है। उन्होंने भी कभी विरोध नहीं करा, उनको तो खुद ही समझ नहीं आती वो कह क्या रहे हैं, ये कृपा है भगवान की। और उनके लिए वास्तविकता में राजनीति है ही नहीं, राजा हैं वो, राज करें बिना कुछ करें, अगर जो काम करेंगे तो राहुल गांधी थोड़ी रह जाएंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बिल्कुल आराम करना चाहिए जैसे मैं करता हूँ, आराम करो आराम करो, मत दुनिया में तुम काम करो, आराम शब्द में राम नाम छुपा है तो आराम करो, उनको तो यही कहना है। आप आराम की कह रहे हैं सर, वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कह रहे हैं हम ही देश को चलाना जानते हैं, बाकी भाजपा की बस की बात नहीं है। वो मैंने कहा ना, वो नहीं कहते कुछ भी, उनको कहलवाया जाता है, और वो फिर कभी कभार बहक के गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं, उनसे कहलवाया जाता है, वो तो कहते ही नहीं है, वो कहते हुए दिखते, वो तो मर गए, उन्होंने अपने आप कह दिया वो तो मर गए, और फिर भी वो जीवित है, तो उनको कहलवाते हैं कुछ, वो कहे कुछ देते हैं, वो तो अपने आप को मार लेते हैं, उन्होंने कहा मैं हूँ ही नहीं, और फिर भी वो बैठे सांसद में, बड़े दुखी थे वो, समझ नहीं आया किस चीज़ के लिए। अडानी को घेरने के लिए उन्होंने बेवजह एक षड्यंत्र रचा जो फेल हो गया, तो आज विदेशी ताकत सामने आ गई नहीं आ गई, जोर शोरों चिल्ला के बोल रहा है फिरंगी, क्यों बोल रहा है, उसको चिढ़ लगी मेरे सारे षड्यंत्र को इतनी दौलत लगाने के बाद भी अडानी को बर्बाद नहीं कर पाया मैं, अडानी को कैसे बर्बाद कर पाएगा, अब हम देशवासी जान चुके हैं कि यदि व्यापारी नहीं होंगे देश में तो हम भी नहीं होंगे, उन्हीं व्यापारियों के सारे हम चलते हैं, आप बड़ा काम कर रहे हो हम छोटा काम कर रहे हैं, एक और आदमी उससे छोटा काम कर रहा है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, बड़ा व्यापारी मेरे देश का होगा तो मुझे गर्व है, विदेश का क्यों चाहिए मुझे, मुझे अमेजोन नहीं चाहिए, मुझे फ्लिपकार्ट नहीं चाहिए, अडानी चाहिए, अंबानी चाहिए, क्यों चाहिए, वो मेरे हैं, मेरे राष्ट्र के हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात। मोदी जी के मित्र हैं वो, उनका ही भला हो रहा है, जनता का कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। अंबानी अगर जो कोई काम करते हैं, अंबानी को ठेका मिल जाता, मान लीजिए खान का ठेका मिल गया आपके मेजा में मिल गया प्रयागराज के पास, तो वहाँ खनन करने के लिए क्या हम दिल्ली से आएंगे नौकरी करने के लिए, मेजा के आसपास का आदमी लगेगा ना, तो इस समय राष्ट्र का ही आदमी काम कर रहा है। अंबानी जी या अडानी जी केवल ठेका लिए बैठे हैं ना, उसमें जो मोटा मुनाफा है वो उनका है, लेकिन बाकी वेतन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है, वेतन हमारे देशवासियों को मिल रहा है, तो सबको अपने अपने कर्म के लिए भगवान ने बना के भेजा, सब अपने अपने कर्म खुशी से करें। चाहूँगा क्या नाम भैया, आप यहीं से जी? बनारस ही जी जी। क्या कहेंगे मोदी सरकार कैसा काम? अरे हम लोग के हिसाब से तो ठीक ही कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, साड़ी अच्छा में, हाँ साड़ी लाइन में तो अभी तो बहुत बेटर चल रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और आगे कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, कौन होना चाहिए? अरे मोदी जी होना चाहिए, और कौन होना चाहिए, मोदी जी होना चाहिए। जी जी, अभी तो सही चला रहे हैं, बड़े सही चलाया। राहुल गांधी देखिए कोई भी आए, बस हम लोगों को ये है कि जो है साड़ी लाइन का कारोबार हम लोग का जो है एकदम टकाटक चलना चाहिए, काम अच्छा चल रहा है, और कोई भी आ जाए रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, लेकिन कहने का मतलब किसी की भी सरकार रहे बस जो है कारोबार जो है फर्स्ट क्लास चलना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बांटने का काम करती है भाजपा, ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा, अरे ये सब फालतू बात है, फालतू की बात है। जी जी, राहुल गांधी बनारस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भैया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका कारोबार भी एक दूसरे से जुटा हुआ है। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे, वो इस तरह के आरोप लगाते हैं मोदी जी बांटने का काम? अरे बोल तो रहे हैं भैया, देखिए कोई भी आ जाए, राहुल गांधी, अखिलेश, कोई भी आ जाए, बस काम का लाइन सही होना चाहिए, बस हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, मेहनत करके हम लोग खाते हैं, बस कारोबार की लाइन सही होना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ सर, काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे देश में मोदी सरकार कैसा काम? बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, आपको भी नज़र आ रहा होगा, आप देखिए बनारस में देखिए, नए नए कैडोर बने हैं, नए नए मंदिर का भव्य निर्माण करवाया है, सारा
कितनी पब्लिक है, देखिए कितने आराम से ये शोभा यात्रा निकल रही है, कितने आराम से लोग देख रहे हैं, मजे से आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं साथ में, और हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। और बताइए, दिल्ली से मुंबई तक जो हाईवे बनाया गया वो भाजपा के राज में बनाया गया, जहाँ पहले लोग 36 घंटे में पहुँचा करते थे 48 घंटे में, आज बाई रोड बाई कार से आप 12 घंटे के अंदर दिल्ली से बॉम्बे पहुँचेंगे, तो वो किसके राज में हो रहा है? मोदी जी के राज में हो रहा है। आज दिल्ली से आप मेरठ 1.25 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं, जबकि पहले 2 घंटे लगते थे। आज दिल्ली से देहरादून का रास्ता 2.5 घंटे का हो गया, 3 घंटे का, पहले दिल्ली से देहरादून 5.5-6 घंटे लगा करते थे। तो ये सब मोदी सरकार ही कर रही है, और कौन कर रहा है? जो आरोप लगाती है भाजपा पे, जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस लगातार घेरती है उनको कि मोदी जी बर्बादी कर रहे हैं, देश को डुबा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो हमेशा खिलाफ ही होता है, विपक्ष तो आवाज़ उठाता है चाहे कोई भी हो। आज विपक्ष में राहुल गांधी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी है, जो भी है, वो तो आवाज़ उठाएंगे। पहले भाजपा विपक्ष में, तो भाजपा भी आवाज़ उठाती थी, लेकिन आज मोदी जी का काम सबको नजर आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा काम कर, बिल्कुल अच्छा। क्या लगता है 24 में फिर आ सकते हैं? बिल्कुल, मोदी जी आएंगे, 300 पार लेके जाएंगे, हर हर महादेव कहलाएंगे। 300 पार, तीसरी बार भी 300 पार। कारण क्या है, क्यों लाना चाहते हैं, क्या वजह? मोदी जी का काम, मोदी जी का देश प्रेम, पब्लिक को मोदी जी से प्रेम है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, पब्लिक को मोदी से प्रेम है, मोदी जी के काम से प्रेम है।